अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब अच्छे रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो बज रहे हैं शाम के 5 और मैं आ गई हूँ गर्म पानी पीने, क्योंकि गला थोड़ा दुख रहा है मेरा। और देखिए मैंने क्या किया, कल मैंने पहना था प्लाजो तो उसके उसमें जेब में 100 रुपये के नोट में रख दिया और मैं खुद ही भूल गई रखकर। अभी मुझे याद आया तो वो गिल्ली हो चुकी थी तो मैं उसी को सुखा रही हूँ। देखिए ये मेरा हो रहा है गर्म पानी, हो चुका है पीने का गर्म पानी। और ये देखिए मेरी नोट हो गई थी गिल्ली, तो मेरा तवा देखिए कितना काला हो गया। अभी ये वाइट कर दूंगी मैं, ऐसी की बात नहीं। अब ये नोट को मैं इस तरह सेक रही हूँ रोटी की जैसे, ताकि मेरी नोट सूख जाए। और ये मेरी नोट हो चुकी है कड़क। अब मैं इसे ले जाऊँगी मार्केट और मुझे लाना है आलू, और आलू ला के मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी फ्रेंच फ्राई। चलिए तो गर्म पानी मेरा हो चुका है, देखिए मैं पी रही हूँ गर्म पानी। गर्म पानी से ना गला थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि मेरा सुबह से गला दुख रहा था तो सुबह भी मैंने गर्म पानी करके पिया है और अभी मेरा गला दुख रहा है तो सोचा चलो वो भी पी लूँ गर्म पानी करके। और मैं जा रही हूँ मार्केट, वहाँ से लाऊँगी आलू, बच्चों के लिए बना रहा है फ्रेंच फ्राई। तो चलिए मैं पी लेती हूँ पानी, थोड़ा कुमकुमा ही पीना चाहिए। एकदम ठंडा करके पियेंगे ना तो मज़ा नहीं आता है, थोड़ा मतलब ऐसा गले में लगना चाहिए पानी के हम पानी पी रहे हैं। तो चलिए मैं पानी पीकर हो गया, थोड़ा से बचा है आने तक, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं पी लूँगी। चलिए चलते हैं। जा रही है क्या लाने आलू, क्या खाएगी आलू का बना के फ्रेंच फ्राई। हम लोग जा रहे हैं, ये हमारी गली, तो हम लोग आ गए हैं आलू लेने के लिए। हाँ आओ आलू लेकर आ गए। आलू को मैंने कर दिया कट और मैंने तेल भी चढ़ा दिया, तेल मेरा होने आ रहा है गरम। फिर इसको मैं कर दूँगी फ्राई, छोटे छोटे देखो पीसेस पतले पतले मैंने काटे हैं। घर को खाना था तो मैंने सोचा चलो बच्चे लोग सब यही खा लेंगे, है ना। तो आलू कर दिया है फ्राई, आई मीन कर रही हूँ, कर दिया मेरे दिमाग में आता है। बट इसको अलग तरीके से भी फ्राई करते हैं, जैसे पहले इसको हल्का से बॉईल कर लेते हैं, कड़क ही रहता है हल्का, एकदम लाइटली से पानी गर्म हो जाएगा उसमें डाल देते हैं इसको, फिर इसको निकाल लेते हैं, सुखाते हैं कपड़े से, पोंछ देते हैं अच्छे सूखे कपड़े, फिर इसको फ्राई करते हैं। तो वाला मुझे बेसिक समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों करते हैं, करते बड़े बड़े होटलों में इसी तरह बनता है, बट हम तो घर में बना रहे थे, हम इस तरह क्या ही करें। तो मैं डाल के देखती हूँ छोटा वाला हो गया, थोड़ा सा चाय और मेरा रोटी का डब्बा गिर गया, तो चाय चढ़ा दी है मैंने और आलू कर दी फ्राई, फ्राई कर रही हूँ। बाहर हो गया है कुछ बहस, बहुत दिनों बाद हमारी साइकिल आई है घर पर। ये साइकिल को लेकर हमारे पास पड़ोसी लोग हैं, वो थोड़ा बहस कर रहे हैं कि साइकिल बाहर खड़ी क्यों की, जैसे ऐसी कोई दीवार है वो दीवार पे सिर्फ ये साइकिल का ये टच हो रहा था, खड़ी तो ज़मीन पे ही साइकिल थी, बट बाहर जो एक औरत है वो सब लोग बोलते हैं वो बुढ़ी पागल हो गई है, तो उसके वजह से ये साइकिल हम लोग बाहर नहीं रख पाए। पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं, इंसान को ज़िंदा थोड़ी रहना है, मर के जाना है, ये जगह छोड़नी है, दुनिया छोड़नी है, जगह भी छोड़नी है, पूरी ज़िंदगी छोड़नी, पर लोग पता नहीं समझते नहीं है और छोटी छोटी चीज़ों पर लेकर बैठ जाते हैं कि ये दीवार को मत रखो, हमारी ज़मीन पे मत रखो, साइकिल हमको बाहर खड़ी करने नहीं दिए। लोगों ने बहस कर ली, थोड़ा छोटा बहुत झगड़ा हो गया, तो हम लोग ने साइकिल घर के अंदर लेकर आ गए, पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं। तो मेरी चाय भी हो गई है और मेरे हो रहे हैं फ्रेंच फ्राई। नमक और डाल दिया है थोड़ा सी चाट मसाला और मेरा हो चुका है ये, तो मिक्स और बाहर घर में कहाँ है ए बिल्ली, बिल्ली ये भी चढ़ा दी है, ये हो रहा है। मैं चाय पी लेती जब तक, और मेरी चाय बहुत ज़्यादा भाप आ रहा है इसमें, ये हो गई है मेरी चाय, मैं चाय पी लेती हूँ जब तक, ये चीज़ें तो फिलहाल हो ही रही है। चलिए चले गई और मैंने लेकर आ गई बाज़ार, तो मैं बना रही हूँ अंडे का सालन,
ये मैं आलू फ्राई कर रही हूँ, तेल अलग से रखा था फ्रेंच फ्राई का, तो सोचा उसी में फ्राई कर दूँ। और ये सालन का मसाला, इसमें डाला मैंने अदरक लहसुन मिर्ची कोथमीर कांदा टमाटर और थोड़ा सा नारियल, थोड़ा सा इतना ज़रा सा। और अभी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मिर्ची पाउडर, स्लो कर देती हूँ पूरा उड़ रहा है। और ये हल्दी और धनिया पाउडर, धनिया पाउडर और ये होममेड गरम मसाला है, सबके गरम मसाला लाके मैं इसको पीसी हूँ। तो ये तो अभी इसको अच्छे से कर लूँगी मैं मिक्स। तो मैंने इसमें डाल दिया है सब, नमक डालना बाकी है, नमक नहीं डाला है मैंने। तो भी अच्छे से इसको भूनूँगी, अच्छे से भुने जाएगा। ठीक है, इसको मैं डाल दी ढक्कन और ये आलू करी फ्राई। आज मैं अंडे का सलाद बना रही हूँ, अंडों को मैंने कर लिया है बॉयल। आज मैं फोटा फोड़ के अंडा नहीं बना रही हूँ, आज मैं ऐसे बना रही हूँ, फ्राई हो जाएगा फिर अंडा भी मैं फ्राई करूँगी। अंडा हो रहा है क्योंकि अंडा है ना फ्राई नहीं करने पे बहुत ज़्यादा उछलता है, इसलिए उसको ढक्कन बंद करके फ्राई करने का। देखिए मैंने फ्राई कर लिया है, ये है अंडे जिनको मैंने फ्राई कर लिया है। और अभी सालन का मसाला हुआ तो उसमें मैं डालूँगी। तो मेरा मसाला हो चुका है, देखिए मेरा मसाला हो चुका है, इसमें पानी और अंडा डाल दूँगी। देखिए मेरा अंडे का सालन हो चुका है, मैंने इसमें कोथमीर भी डाल दी, मेरा आलू भी गला, और मैंने इतना पतला नहीं रखा है, गाढ़ा ही रखा है। और मेरा राइस हो रहा है, सालन तो हो चुका है, आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। मेरा हो गया खाना बनाकर, चावल भी हो गया बनते, शाइन घसरी बर्तन, और अभी बज रहे हैं 9:15। मैं थोड़ा अंबावाड़ी जाना था मुझे, तो बिल्ली आ गई है, तो बस इन लोगों को खेलना चालू उसके साथ जाऊंगी अभी थोड़ा 5 मिनट से। ठीक है मुन्नु आओ, मुन्नु आ रहा है, मुन्नु 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 तुम लोग का खाना हो चुका है बनाकर, अभी तो देखो खाने बैठ रहे हैं, तो खाना खाने बैठ रहे हैं अभी। मुझे ना मैं खाना बनाकर हो गया ना तो मेरे को थोड़ी नींद लग गई थी, मैं सो गई थी, देखिए आँख में थोड़ा मैं सो गई थी। तो ऐसे साइकिल का टेंशन हो रहा है, वो साइकिल ऐसी रखी हुई इधर पे घर में, इतनी सारी जगह ले रही है वो साइकिल। ये तो अच्छा है कि अयास जाकर, मतलब अयास को फ़ोन किया किसी ने, अब कौन किया उसका नाम तो मुझे नहीं पता, उसने फ़ोन किया और बोला कि बोले मैं तुम्हारे चाचा का घर खाली कर रहे हैं तो साइकिल लेके जाओ। और इसके चाचा का भी माशाल्लाह दिमाग खोलना पड़ेगा, जिस घर में वो रह रहा था उस घर के उस घर वाली के वजह से हम लोगों ने उधर का घर खाली किया, उसने इतना मतलब दंगा फसाद करवाया उधर पर, उसी के घर में ये रहता था मेरा देवर, और उसने चाबी उन लोगों को दे के जा रहे जिन लोगों से हम लोग जाके मांग भी नहीं सकते चाबी, और वहाँ पर दे रहा बोला जाके ले लेना। ये तो अच्छा है कि अयास जाके लेकर आया, वरना तो वो वहीं पर छोड़ के जाता, इतने गधम पत्ती वाली हरकत करा उसने। ये तो अच्छा है कि अयास जाके लेकर आ गया, वरना साइकिल वहीं पर पड़ी रहती और हम लोग जाकर वो घर वाले के पास मिन्नतें करते रहते, और वो जानबूझ के पता है इन लोगों से बहस हुआ है तो भाई क्यों देना लोगों को चाबी, तो देती भी नहीं हम लोगों को चाबी, ऐसे रखड़ पट्टी हो जाती, बताओ इन लोग ऐसा करते, इन लोगों को नहीं जमता है हम लोगों से, तो इन लोग ना ऐसी हरकत करके बताते, बताओ। तो अयास लेकर आ गया अच्छा हुआ, नहीं तो साइकिल अटकते, और साइकिल जब यहाँ पर आए यहाँ पर रखे तो यहाँ की गली में एक है सब लोग बोलते हैं उसको पागल है, वो चिल्लाने लग गई कि मेरी दीवार के पास खड़ा मत करो, मेरी दीवार को टच हो रही तुम्हारी साइकिल, तो हटाओ यहाँ से हटाओ। मेरे क्या दिक्कत है, सिर्फ टच हो रही है ना दीवार को, दीवार खुल ना खुल कर जा रही है, बोलते नहीं हटाओ यहाँ से हटाओ चलो नहीं रखने का इधर पर, तो उससे बहस हो गई शाम को। ऐसा सब होता मतलब किसी सब ना ऐसा लगता है गली में ना सिर्फ पागल ही भरे पड़े हैं, ऐसा कहीं पागल खाने से निकले दूसरे पागल खाने में आ गए, मतलब सिर्फ गली में खड़ा कर रहे हो भी ऐसी जगह खड़ा के वहाँ पर कोई आना जाना किसी का है नहीं, कोने में खड़ी हुई अपनी साइकिल, फिर भी दिक्कत है क्योंकि वो औरत की दीवार आ रही थी, दीवार के पास रखा हुआ था, उसका दरवाज़ा और कोई तरफ है लेकिन उसको दिक्कत हो रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लोग क्यों ऐसा करते हैं कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा है
धीरे धीरे लोगों के बारे में पता चलता है, डायरेक्टली नहीं पता चलता। ये पता चला तो मालूम पड़ा कैसे दीवाने लोग रहते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं खाना, क्योंकि ये जो बातें हैं, ये जो प्रॉब्लम है, ये कभी दूर नहीं होने वाली ज़िंदगी में। अब ये साइकिल तो इसका भी ठिकाना देखेंगे कैसा रखने का, वरना ऐसी ऐसी रखना पड़ेगा उसको, कोई जगह नहीं आया इस बार रखने के लिए। साइकिल कहीं पर भी नहीं रख सकते, वही रहे तो अभी क्या कर सकते। हाँ टेंट हाउस आने वाला है गौर का, वो पता नहीं कहाँ रखे, जैसे उसके लिए मैं जगह बना रही थी वहाँ पर, तो आ गई साइकिल। अब यहाँ कहाँ रखेंगे उसको, तो खोलने का खेल के हो गया तो बंद करके रख दो, बंद करके रख देने का खेलने के बाद में, वही करना पड़ेगा ना। क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा महल तो नहीं कि हम टेन हाउस अलग जगह रखे, साइकिल अलग रखे तो दिक्कत ना हो किसी को। ऐसा है वो तो साइकिल नहीं मिलती थी मालूम, अगर वो औरत वो ताला मार के दे देता ना चाचा चाबी वो घर मालिक इनको व्यास, तो तेरे को ना साइकिल नहीं मिलती, क्योंकि वो औरत हम लोग को सताती, वो उसकी बेटी नहीं, हम लोग को रूम खाली करवाई वहाँ का, बहुत उसने झगड़े करी हम लोग को बिल्ली को लेके, तो हम लोग को क्या चाबी देती वो, इस साइकिल के लिए भी सताती जानबूझ के। हमारा है ना रिश्तेदार, वही दिमाग वाला है बहुत, चाबी बंद ताला मार के चाबी वहाँ देके जा रहा है, बता ऐसे इन लोग हैं, क्या बोलने का लोग समझ में नहीं आता। खाना हो चुका है तो बैठे देखिए साइकिल, टेंशन होगा साइकिल का, तो क्या ही बोलूँ मैं, आज का दिन है ना कुछ अच्छा गया, स्टार्ट जब करी ब्लॉग में अच्छा था, बाकी देखो बहस हो गई, ये हो गया वो हो गया, साइकिल का मसला हो गया, तो दिन बहुत ख़राब गया आज का सच्ची में, ऐसा हो गया। तो भी आज का ब्लॉग तो बन गया, तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिन्होंने अब तक नहीं किया, और कमेंट से बताइए कि आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अंडे की रेसिपी वैसे तो सबको आती ही है, ऐसा कोई यूनिक बात है नहीं उसमें, लेकिन मैंने बनाया अपने तरीके से, तो आप वो बताइए रेसिपी कैसी बनी आपकी। और दुआ में याद रखिए, मैं आपको अपनी दुआ में बेशक याद रखती हूँ, और दुआ में याद रखना ही चाहिए, सबको रखना चाहिए याद, हम याद रखते हैं लेकिन लोग हमें याद रखते नहीं रखते, लेकिन हमें रखना चाहिए, मैं तो रखती हूँ याद, मेरा साइकिल पे ध्यान जा रहा है ऐसा है। क्योंकि साइकिल है ना देखिए ना, काफ़ी जगह ले ली है, इतनी बड़ी साइकिल ही है, पूरी जगह ले ली इसकी, आयास चला लेता है, बट हम लोग की जो गली एंट्री करते हैं ना गली में, गली बहुत पतली गली है, साइकिल लेके आने जाने में मुझे डर लगता है कभी किसी के पैर पर लग गया या कुछ है तो वो एक मसले चालू हो जाएंगे, झगड़े होते हैं। अभी जो गली में झगड़ा हुआ अच्छी खासी देखे ना अपने, मेरे दरवाजे के सामने कितनी बड़ी जगह है, खड़ा किया दीवार के पास और मसला हो गया, क्या बोला, और ये मसला हो गया, ख़त्म हो गया, बहस हो गई, थोड़ा नॉर्मली हुआ, ऐसा नहीं बहुत धमाकेदार झगड़ा, 10 मिनट का भी झगड़ा नहीं था, वो बहस हुई थोड़ी सी। उसके बाद में मैं अपना काम में मशहूर हो गई, बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राई बना रही, बाज़ार जा कर खाना बना रही, तो मुझे स्लो आवाज़ आ रही है कि वही दो औरत जिन लोगों ने बहस किया, वो और एक औरत और मिलकर मेरे बारे में चर्चा कर रहे थे कि देखो कैसा बोलती है, साइकिल खड़ा कर रही है, इसकी जगह है क्या, बड़ी आई ये वो, भाड़े से रहते तो अपने आप को भाड़े वाले समझने का, खुद के घर वाले नहीं समझने का, बहस इतनी करने लगे। अब मैं निकल कर बोलूँ कि भाई मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो, लेकिन मैंने नहीं बोला कि भाई जाने दो, मेरे चर्चा कर रहे हैं, मेरा गुण कर गा रहे तो गाओ, और अगर मैंने कोई गलती की, जाहिर है हम इंसान हैं गलतियाँ तो करते ही हैं, तो मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, तो मेरे बारे में चर्चा करोगे तो ये एक सच्चाई है तो करो, ऐसा है। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैं अपना फिर काम में लग गई, ऐसा है, फिर जाके मैं पूछूं करूं फिर वो बहस हो जाएगी, मुन्नु देख रहा है मुन्नु। तो चलिए ब्लॉग को एंड करती हूँ, टाइम भी बहुत हो गया, 11:30 हो गए हैं, नींद आ रही मुझे, शाम को नींद आ गई थी, अभी वापस नींद आ रही है, तो ब्लॉग को एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखिए और ख्याल ही रखिए, ऐसे जो मसले होते हैं जो मेरे साथ हुए आज आपकी ज़िंदगी में होते हैं उसे अवॉइड कीजिए। चलिए कल मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग के साथ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।